छोरा, एक काम कर, थाली पर ही निकल दे। आज तक तो तूने कभी कटोरे भर भर कर खीर ना खाए, पर आज तो दो कटोरे खाए। नहीं बाबू, ऐसे मन तो थारा पराया हो गया है छोरा, पर पेट तो थारा अपना है ना। संभाल कर खाए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। सुधा, थारी बहन तो गई, अब तो मारा बुढ़ापा बुढ़ापा मारा जेल में ही बीतेगा। पता है, थानेदारनी गई थी थाने में, चतुरी की रपट लिखवाई आई है। अब तो पुष्कर की गलियों में चतुरी की तस्वीर लगेगी। मारी बहना, कुछ तो कर, कुछ तो सोच। ये तो होना ही था ना जीजी, मैंने तुझे पहले कहा था कि सच बोलकर बात को संभाल ले घर पर। लेकिन नहीं, तुम मेरी बात क्यों समझेगी? अब देख बात कहां से कहां पहुंच गई। अब बस बचने के लिए एक ही रास्ता है, सबके सामने जाकर सच बताना। अकल होगी एक ही, सच बोल दूं। मारे को ना बनना हरिश्चंद की औलाद। अगर मैंने सच बोल दिया तो वो भापूत मारे को दो तोले के कंगन देने वाली है। नहीं 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 नहीं, भापा वो मारे को सोने की कंगन की जगह लोहे की कंगन पहना देंगे। मैं सच को नहीं बोलूंगी सुधा, मैं। अरे हाँ, वैसे भी देख, चतुरी का फोन आने से ये तो पता चल गया ना कि चतुरी जिंदा है। अगर जिंदा है तो मारे को के डर, और ऐसे भी मारे को इस पचड़े में ना पड़ना, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अरे जीजी चुप रहकर क्या हो जाएगा, अगर किसी ने चतुरी की फोटो देखकर पुलिस को सच बता दिया तो तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी। तुझे याद है उस दिन मंदिर में कितनी भीड़ थी? अगर किसी ने तुझे देख लिया होगा तो मारे को किसने देखा होगा? ए सुधा की बच्ची, मैं थारे से मदद मांगने लिए फोन करती हूँ। तुम्हारे को डराने के लिए फोन उठाती है। तू फोन रख। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। साथ ही तू मुझे कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना। मेरी एक गलती ने तेरे सारे सपने, तेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी बहन, नहीं भैया, आप अपने आप को अपराधी मत समझिए। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। जिंदगी में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के बाद भी मेरी समझ अधूरी थी भैया। इस घर में आकर मेरी जिंदगी का सही मतलब समझाए भैया। मैंने ये जाना है कि आज की औरत के लिए जितना जरूरी बाहर नाम कमाना है, अपना सपना पूरा करना है, ना ही जरूरी अपने घर को संभालना भी है। रिश्तों का सही मतलब मैंने इस घर में आकर ही समझा। अगर यहाँ नहीं आती तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन कभी नहीं सीख पाती। मैंने सीखा है कि जिंदगी में सिर्फ अपने लिए जीना तो सिर्फ स्वार्थ है। इंसान वही जो औरों के लिए जिए और अपने परिवार के लिए भी जीकर दिखाए। मैं बहुत खुश हूँ भैया। नहीं, मैं
बहुत खुश हूं। संध्या, जाने से पहले भाई के गले नहीं लगी? किससे गले मिलूं? आप तो मुझे कब का पराया कर चुके हैं। आप दोनों को एक साथ देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। ऐसे लगता है कि एक तूफान सा हमारी जिंदगी में आया था और चला गया। अब सब कुछ पहले जैसे हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। मेरी बहन का सबसे बड़ा सपना आज भी अधूरा है। रेगुलरी, वे किसके इंतजार में माखी बनकर दरवाजे पर भिनभिना रही है? मैं तो उस आदमी का इंतजार कर रही हूँ जो चतुरी के छपे हुए पर्चे लाने वाला था। तू किसका कर रही है? वो भाबू, मैं तो माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए थोड़ा चक्कर से आ रहे थे तो हवा खाने आई थी। अरे अगर पहले ही पता होता ना तो बादाम का हलवा ना पड़ा। आपने बनाया है? हाँ, पर अब तू कैसे खावेगी? ना ना, रहने दे। संध्या बीनड़ी, जरा जल्दी आए। ना बीनड़ी, जान दे। जी बाबू। बीनड़ी, ये हलवा तू रसोई में रख। मीना बीनड़ी से तो ना खाया जाएगा ना, जी मिचला रहा है उसका। जी भाभी। अरे रुके रुके रुके, ऐसी हालत में तो ऐसी चीजें होती ही रहती है। अब भाभू ही कहती है कि अपने से ज्यादा अपने पेट में पल रहे टावर का ध्यान रखना चाहिए, और माँ बनने वाली हूँ तो थोड़ा बहुत त्याग तो आना ही चाहिए ना। तो मैं जैसे भी करके अपने पेट में ना थोड़ी सी जगह बनाई लूंगी इस हलवे के लिए। रुक, गरम वहां जाकर बैठकर आराम से खा ली ताकि टापर ने भी मिले। जा। रुक बीन, समधन साले भी थोड़ा हलवो दे दिए। ये लो, अब वो भी हिस्सा बांटेगी मारा। अरे मरी, कहीं आगे चल के मारे दो कंगनों में से एक भाभू उनके हाथ पे तो ना सजा देगी। वो भी तो पेट से है ना, अमेरिका में कहाँ खाया होगा। और हाँ बीनी, रसोई में दूध पर ढक कर जाए, बिल्ली को भरोसा ना है। भाभू, भाभू ये बच्चे दिखा दो। अब ये चतुरी के गुम होने के पर्चे मैं और राजकुमार जाके गली मोहल्ले में चिपका आते हैं। हाँ सूरज जी, और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के मंदिरों में भी लगवा दीजिएगा, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं। हे मारा राम जी,
मारी चतुरी ने खुशी खुशी घर लौटा देना, जीवन भर तारा उपकार मानूंगी। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, मैं भी चलूं ये चतुरी दीदी की पर्ची चिपकाने। स्कूल का काम किया? हाँ। ठीक है, बाबू आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है छोरा। तो मैं चलूं? जा छोरा। चल चल। हे मारा राम जी, सब कुछ राजी खुशी रहे। बाबू आप चिंता मत कीजिए, चतुरी जरूर मिल जाएगी। अरे इतनी रात को क्या निकाल रही बस्ते से? रे समदन सा के लिए रजाइयां निकाल रही हूँ, मौसम का कोई भरोसा ना है, ठंड पड़ी ना तो काम आएगी। अरे संध्या भी तो थारे से समझदार हो गई है, वो कब की रजाई निकाल के ले गई। कहीं बीनी साहब भाई भाभी से गप्पे मारने के चक्कर में छवि को पढ़ाना तो ना भूल गई? अरे क्या सोच रही है संतोष, मैं इधर फंस गया तू ये पैर निकालना। अरे देख क्या रही है संतोष, जल्दी आना। मान लो कि बुढ़ापा आ गया। कटी जा रही है संतोष। हर बात बतानी जरूरी को नहीं, आ रही हूं मैं। ठीक तो कह रही है संतोष, हर बात बताना जरूरी को नहीं। भाई भावच कौन से भाग कर जा रहे थे, उनकी लाड में ननद का जीवन बिगड़े तो बिगड़े। छवि, छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो गया, इसलिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सॉरी भाभी। मैं करेक्ट कर देती हूँ। सूरज के पापा सब सही कहते थे कि तूने अपने दिमाग में जहर का कारखाना खोल रखा है। भाभी वैसे आपको भी जाना चाहिए था ना वो पैम्पलेट लगवाने के लिए, आप क्यों नहीं गई? नहीं छवि, ये भी तो बहुत जरूरी था। राजकुमार जल्दी करो, छोड़ो जल्दी करो जल्दी। Thank you.
सारी तस्वीरों को पुराने जैसे डकैत होते हैं ना, वैसे ही बनाना पड़ेगा। कोई पहचानेगा ना, कोई मुसीबत होगी। जेठानी सियानी ना भापो सियानी, इतनी मीना सियानी। संध्या जी, आप देखिए, आप मुझे गलत में समझिए। वो क्या ना कि मैं पलंग के नीचे हूँ, लेकिन वो मेरी जेब से पैसे निकालते समय ना एक सिक्का बैठ के नीचे आ गया। बस मैं उसी को निकालने नीचे आया था, लेकिन फिर आप अचानक से अंदर आ गई, आपको बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा संध्या जी। मेरा मतलब संध्या जी, मैंने आपको आपको पायल पहनते देखा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपके पैर बहुत सुंदर हैं। सच्ची संध्या जी, आपके आपके पैरों में पायल बहुत अच्छी लगती। सूरज जी, ये आपके हाथ में पिन कैसे चुभी? ये
पिताजी, ये पिन वहां पे गिरा पड़ा, अचानक से आपका पैर इसके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।